स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर संदीपा बिस्वास एंड यू आर वाचिंग माय चैनल कॉन्स ऑन अर्थ। जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि मैं उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उनके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो ये जो वीडियो है ये उसी विषय पर होने वाला है। तो अगर वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलते रहेंगे। ओके, तो अब आप लोग स्क्रीन पर आइए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश दिया हुआ है और यहाँ पर जो निदेशक है कृषि निदेशक वो है विवेक कुमार सिंह। इस डॉक्यूमेंट में उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र से संबंधित जो योजनाएं हैं और उन पर जितनी राशि देय है या स्वीकृत हुई है उसके बारे में ये डॉक्यूमेंट है। यूपी अनुमन्य सुविधाएं इस डॉक्यूमेंट का नाम है। तो यहाँ पर बहुत सारी पॉलिसीज़ बहुत ही डिटेल में दी गई है, तो बहुत डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं तो आप उनके नाम अगर लिख देंगे अपने एग्ज़ाम में तो वो काफ़ी होगा। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये कंटेंट है, कंटेंट ही मैं आपको मोस्टली शेयर कर रही हूँ, अदरवाइज़ बहुत ही डिटेल में दिया गया है इसमें। तो ये है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत कृषकों को देय अनुमन्य सुविधाएं। ठीक है, तो इसमें इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से 6 घटकों को शामिल किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चावल, गेहूं, दलहन, कोर्स सीरियल, न्यूट्री सीरियल्स और कॉमर्शियल क्रॉप्स। ठीक है, तो अगर हम इसमें जाएं तो आप देख सकते हैं ये है ये जो मिशन है ये तो भारत में 2007-08 में ये इम्प्लीमेंट की गई थी, लाई गई थी, और इसमें 2018-19 में इसमें फिर से परिवर्तन हुआ जिसके अंतर्गत 6 घटकों को शामिल किया गया। और ये जो ज़िले हैं जिन ज़िलों में इन जो स्पेसिफिक आइटम है उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं या चलाई जा रही हैं उसके बारे में है। तो इतना डिटेल में आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो स्टॉप करके। ठीक है, उद्देश्य देख लीजिए, उद्देश्य क्या है यहाँ पर। चिन्हित जनपदों में चावल, गेहूँ, दलहन, कोर्स सीरियल तथा न्यूट्री सीरियल्स के क्षेत्रफल में विस्तार तथा उत्पादकता में सतत वृद्धि करना, किसानों के खेतों की मृदा उर्वरता को बनाए रखते हुए उत्पादकता में वृद्धि करना, किसानों में विश्वास बनाए रखते हुए उनके आर्थिक स्थिति में या स्तर में सुधार या वृद्धि करना। तो ये उद्देश्य आप लिख सकते हैं अपने आंसर में। इसके बाद हम लोग आएंगे फसल विविधीकरण। ये जो योजना है ये उत्तर प्रदेश के 11 जनपदों में संचालित की जा रही है जो कि 6 मंडलों में आते हैं। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं ये 6 मंडल है, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा, जो कि 11 जनपदों में है और इन्हें 4 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये आपको मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ, यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन आपको इतना डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने एग्जाम में। उद्देश्य आप लिख सकते हैं धान गेहूं फसल प्रणाली के स्थान पर वैकल्पिक फसलों के उत्पादन की उन्नत तकनीकों को प्रदर्शन के माध्यम से बढ़ावा देना। दूसरा है फलीदार फसलों के खेती के माध्यम से मृदा उर्वरता का पुनर्स्थापन करना, भारी बायोमास उत्पन्न करना एवं पोषक तत्वों की कम खपत वाली फसलों का प्रयोग करना। इसके बाद तीसरा है आपका सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। ओके, एक सेकेंड, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके अंतर्गत विभिन्न राशि देय निर्धारित की गई हैं, उस इतने डिटेल में नहीं जाना है। इसके अंतर्गत इस मिशन को 3 कैटेगरी में फर्दर डिवाइड किया जा सकता है या किया गया है, जिसमें कि एक सेकेंड
कहा गया। पहला है ये आपका केंद्र पूर्व निर्धारित सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफॉर्म, ठीक है, ये एक योजना हो गई। दूसरा है आपका सबमिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, ये रहा सबमिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, बस नाम आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें। तीसरा है सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन अभियंत्रण अनुभाग, यानी कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो अभियांत्रिकी का जो प्रयोग है वो अभी पिछड़ा है कंपैरेटिवली, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर बहुत सारे योजनाएं या पॉलिसीज या प्रयत्न किए जा रहे हैं। इसके बाद है द मिलियन फार्मर्स स्कूल, ये जो योजना है वह 5 दिसंबर 2017 में इसे लाया गया था। यहाँ पर देखिए 5 दिसंबर 2017 में इसे लाया गया था। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक बार में 10 लाख कृषकों को मौसम के प्रारंभ होने से पूर्व ही प्रशिक्षित करने का इसका उद्देश्य है, ठीक है, जिससे कि उन जो कृषक है वो अपनी उत्पादकता को बढ़ा सके और उत्पादकता बढ़ेगी तो आप जानते हैं उनकी आय, उनके जीवन स्तर आदि में भी सुधार होगा। इसके बाद है राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना, ठीक है, इसे एग्री जंक्शन भी कहा गया है, ठीक है, तो अधिकतम राशि इसमें 4 लाख रुपए है, ठीक है, और ऋण सीमा है जो वो 3.5 लाख रुपए है। नाम काफ़ी है, इतना डिटेल में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बहुत देन नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, इसमें रेनफेड एरिया डेवलपमेंट तथा उत्तर प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहन करने की योजना है। तो उद्देश्य में आप देख सकते हैं वर्षा सिंचित क्षेत्रों की कृषि उत्पादकता में सतत वृद्धि करने के लिए समुचित फार्म पद्धति प्रणाली जिसमें बागवानी, पशुधन, मत्स्य, कृषि, वानिकी, मधुमक्खी पालन, NTFP नॉन टिम्बर फार्म प्रोड्यूस आदि सम्मिलित है, इन्हें अपनाना है। कृषि विविधीकरण और कंपोजिट कृषि पद्धति अपनाकर सूखा, बाढ़ या वर्षा को कम या असमान वितरण की दशा में फसल उत्पादन पर पड़ने वाले कुप्रभाव को कम करना, मृदा उर्वरता मानचित्र मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के मृदा परीक्षण आधारित संतुलित उर्वरकों एवं खादों के प्रयोग मात्रा के आधार पर व्यापक मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पद्धति, यदि आप खुद ही वीडियो पॉज करके आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। फिर है इसके बाद क्या है आपका एक सेकेंड 28 बीज एवं प्रक्षेत्र अनुभाग की योजनाएं, इसे भी 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि प्रमाणित बीजों के वितरण व वितरण पर अनुदान की योजना, फिर है प्रदेश में संकर बीजों को बढ़ावा देने के लिए या बढ़ावा देने की योजना, ठीक है, प्रदेश में संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना, और उसके बाद है PM कुसुम योजना अंतर्गत 21-22 में सोलर सिंचाई पंप वितरण योजना, ठीक है, गांव में बिजली नहीं पहुंच पाती है, पहुंच भी पाती है तो भी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये उस दिशा में एक पहल है। उसके बाद है कृषि रक्षा अनुभाग द्वारा संचालित विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट व रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत कृषकों को अनुमन्य सुविधाएँ, ठीक है, तो इसमें क्या है रोग व कीटों का नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। फिर इसके बाद दूसरी पॉलिसी के हम लोग की ओर आगे बढ़ते हैं, तो भूमि संरक्षण अनुभाग द्वारा संचालित योजना है, तो इसमें मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना यहाँ पर की जा रही है। देखिए योजना का उद्देश्य क्या है, क्षारीय ऊसर भूमि को पुनः खेती योग्य बनाना। इसी में दूसरा है PM कृषि सिंचाई योजना, आप जानते हैं कि कृषि जो है सिंचाई सुविधा के बिना अपने अनुकूलतम स्तर का उत्पादन नहीं प्रदान कर सकता है,
तो इस दिशा में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी लाया गया है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप अदर इंटरवेंशन घटक के अंतर्गत वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब की योजना। ठीक है, अंदर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, बट आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, लेकिन इतना आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है या इसके आगे है आखिरी कृषि सांख्यिकी से संबंधित योजना। ठीक है, कृषि सांख्यिकी से संबंधित योजना, इसमें पहला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, फसलों का बीमा आप करते हैं या इसमें किया जाता है। इसके आगे है पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। ठीक है, और लास्ट है इसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना कृषकों की आय में वृद्धि करने एवं उनके कृषि निवेशों में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित है। ठीक है, ये उसके अंदर की डिटेलिंग है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। ये जो बहुत सारी जो छोटे छोटे पॉलिसीज है, इस पर अलग से बहुत सारे वीडियो बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैं आप ये जो वीडियो है ये आपके एग्ज़ाम के लिए जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें यूपी में एग्रीकल्चर प्रॉब्लम और जो पॉलिसीज इनिशिएट की गई हैं, अडॉप्ट की गई, इंट्रोड्यूस की गई है, उसके उसको लिखना होगा, तो ये वीडियो उसके लिए है खासतौर से। ठीक है, तो लगभग 11 यहाँ पर पॉलिसीज हो गई। इसके अतिरिक्त पारदर्शी किसान सेवा योजना करके एक पॉलिसी भी आ रही है, जिसके अंतर्गत जितनी भी पॉलिसी है, ये उत्तर प्रदेश में इंट्रोड्यूस की गई है, जितनी भी पॉलिसीज है उसका लाभ किसानों को पहुंच पा रहा है कि नहीं, ये सुनिश्चित करता है ना, जो भी सर्विसेज हैं, बेनिफिट्स है, वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, ये उस पॉलिसी के थ्रू इंश्योर किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं मैं बनाना चाहती, नहीं तो आप लोग बोर होने लगते हैं, इस वजह से इस वीडियो को मैं यहीं पर ब्रेक कर रही हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।